रिजल्ट नहीं है। हाँ, आईटीआई का रिजल्ट आ गया है लेकिन पॉलिटेक्निक का रिजल्ट नहीं है। तो पॉलिटेक्निक का रिजल्ट 10-15 दिनों के अंदर में आ जाएगा, लेकिन आईटीआई का काउंसलिंग तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, पॉलिटेक्निक का रिजल्ट आएगा तो उसका भी काउंसलिंग स्टार्ट होगा, तो उसका प्रोसेस मैं समझाने वाला हूँ, तो पूरे वीडियो लास्ट तक देखना। आप आईटीआई कर रहे हो या पॉलिटेक्निक कर रहे हो या आप पैरामेडिकल किसी का एग्ज़ाम दिए हो, तो यह वीडियो आपके लिए खास है, पूरे लास्ट तक देखना। ज़्यादा देर हम नहीं लेंगे समय, 4 मिनट के अंदर में पूरे समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं काउंसलिंग डेट पे। तो आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका काउंसलिंग डेट की नोटिफिकेशन 10 से 15 के बीच में आ जाएगी। हाँ, एक्सेप्टेड डेट बताया जा रहा है, बोर्ड के द्वारा नहीं बल्कि वहाँ के लोगों के द्वारा आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि 10 से 15 के बीच में बीसीसी के वेबसाइट पे आपको आईटीआई का काउंसलिंग डेट नोटिस देखने को मिलेगी, और जैसे आएगा वैसे मैं वीडियो बना दूंगा, आपको सबमिट कर दूंगा। लेकिन डीसीसी के स्टूडेंट हैं उनका भी रिजल्ट 10 से 15 के बीच में ही आने वाला है। अब रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग की प्रोसेस होती है, मैं समझा रहा हूँ काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है। सेकेंड बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस का। हाँ, काउंसलिंग प्रोसेस कैसे करना है, आप आईटीआई का आप काउंसलिंग प्रोसेस करें या पॉलिटेक्निक का करें या पैरामेडिकल का करें या पार्ट टाइम पैरामेडिकल का करें। तो देखो, काउंसलिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। हाँ, रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या की आवश्यकता होगी, हाँ क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी, तो सिंपल सा मोबाइल नंबर, हाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका एडमिट कार्ड। हाँ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एडमिट कार्ड होनी चाहिए आपके पास। उसके आगे बात करते हैं च्वाइस फिलिंग लिस्ट। हाँ, च्वाइस फिलिंग करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद, च्वाइस फिलिंग। अब च्वाइस फिलिंग में देखो कॉलेज सेलेक्ट करना होता है, तो जितने भी आप पॉलिटेक्निक करने वाले स्टूडेंट हो या पैरामेडिकल करने वाले स्टूडेंट हो या आईटीआई करने वाले स्टूडेंट हो, आप च्वाइस फिलिंग लिस्ट नियर कॉलेज सेलेक्ट करना। अब नियर कॉलेज सेलेक्ट इसलिए करना है क्योंकि आपका प्लेसमेंट वहाँ से नहीं होने वाला है, आप प्लेसमेंट नहीं होने वाला, आपको करना है प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब के वैकेंसी आती है उसको तैयारी करके निकाल कर आपको करना है गवर्नमेंट जॉब, ऐसे नहीं मिलने वाला है जॉब। तो आप नियर कॉलेज लेना, घर के निकट कॉलेज लेना, जिससे आप आसानी से वहाँ क्लास कर लो, हर चीज़ आसानी से वहाँ पर कर लो और आपको सुविधाएँ भी पता हो और कॉलेज का कंडीशन भी पता हो। नेक्स्ट बात करते हैं अलॉटमेंट लेटर। हाँ, जब च्वाइस फिलिंग लिस्ट करते हो ना तो उसके बाद लॉक करना होता है, तो लॉक करोगे तो कुछ दिन बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आता है, यानी कि कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ यह पता चल जाता है। कॉलेज अलॉट होने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, तो डॉक्यूमेंट लिस्ट जान लेना। अब डॉक्यूमेंट में सिंपल सा डॉक्यूमेंट वाला आवाज कॉमन डॉक्यूमेंट मैं बता दूं, आईटीआई हो गए या सी आपका पॉलिटेक्निक हो गए या पैरामेडिकल हो गए या पार्ट टाइम पैरामेडिकल हो गए, उनके लिए कॉमन है जातीय आवासीय आय। हाँ, जातीय आवासीय आय अब भी बनवा लो, नहीं है तो, क्योंकि अगर कॉलेज अलॉट होता है तो जातीय आवासीय आय नहीं होगा तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। दूसरे कॉमन, हाँ दूसरे कॉमन डॉक्यूमेंट जो है, आप आईटीआई का फॉर्म फिलअप किए हो तो आईटीआई का एडमिट कार्ड चाहिए, अगर पॉलिटेक्निक के किए हो तो पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड चाहिए, या आप पैरामेडिकल के किए हैं तो पैरामेडिकल का एडमिट कार्ड चाहिए, यानी एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है। उसके आगे बात करें तो 12th लेवल पर किए हो तो 10th और 12th का पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए, ओरिजिनल और कॉपी। हाँ, ओरिजिनल और कॉपी, उसके अलावा आधार कार्ड सबका चाहिए, तो यह कॉमन डॉक्यूमेंट हो गया। उसके आगे हम बढ़ते हैं, तो डॉक्यूमेंट लिस्ट को समझ गए, बिल्कुल समझ गए। 4 नंबर पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं नो फी पैड। हाँ, काउंसलिंग के लिए किसी को पैसा पे करने की आवश्यकता नहीं है भाई, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका काउंसलिंग करेंगे और बेस्ट काउंसलिंग करेंगे। तो तुरंत मुझसे कनेक्ट हो जाओ, मुझसे जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नए हो तो एक एक अपडेट यहाँ पर मिलते रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी ऑन कर देना, दोस्तों के पास शेयर करो जिससे वो भी जुड़ जाए, और अब भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ और व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ पर एक एक अपडेट हमेशा पहले दिया जाएगा, जैसे आएगा वैसे ही अपडेट दे दिया जाएगा, और व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप रिप्लाई ले लेना जो भी डाउट होगा। चलो 5 नंबर पॉइंट करें तो नॉट चॉइस। हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको चॉइस नहीं करना है, जैसे मैं फर्स्ट बता दे तो प्राइवेट कॉलेज चॉइस नहीं करना है,
भाई प्राइवेट कॉलेज अगर चॉइस करते हो तो पछताओगे। सेकेंड पॉइंट बात करें तो बैड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का बढ़िया नहीं है वो भी कॉलेज सेलेक्ट नहीं करना है, नहीं तो उससे भी तुम पछताओगे क्योंकि वहाँ पे एडमिशन लोगे, पढ़ाई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो फिर आगे चल के दिक्कत होगी। तो वीडियो पसंद आया तो सभी लाइक करना, अपने सभी दोस्त के पास शेयर करो, या तो ITI का हो उस दोस्त के पास, या DCC का फॉर्म फिलअप करो, पैरामेडिकल PM या PE या PMM उन सभी के पास शेयर करो, और जो भी डाउट है इसमें कमेंट कर दो, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया वहाँ पे कमेंट करके रिप्लाई ले लो।